नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। मैं सभी का स्वागत करती हूं, सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम की स्पीच के टेलीकास्ट पे सियासत शुरू हो गई है, सियासत गर्मा गई है और ट्विटर वार शुरू हो गया है। सिसोदिया ने एक सवाल भी कर दिया है, केजरीवाल के लाइव टेलीकास्ट में दिक्कत हो गई, आज लाइव ब्रॉडकास्टिंग की इजाजत थी क्या? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि क्या माजरा है। आप दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, और क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि आज देश के सभी फील्डर ऑफिसर से वर्चुअल मीटिंग की, और मीटिंग के बाद मोदी ने सभी को मैसेज किया। मोदी का ये मैसेज टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुआ और इस ब्रॉडकास्टिंग पे अब जबरदस्त सियासत चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये सवाल उठा दिया है कि पिछली बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच के लाइव टेलीकास्ट पे बड़ी दिक्कत हो रही थी, और इस बार प्रधानमंत्री के ब्रॉडकास्ट की क्या इजाजत थी? मोदी की स्पीच के तुरंत बाद सिसोदिया एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ है। पिछली बैठक में केजरीवाल के लाइव प्रसारण पे आपत्ति हुई थी और कहा गया था कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी क्या? कैसे पता चलेगा कि कौन सी मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है? और मैं आपको बताती हूँ कि पीछे क्या हुआ था। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर के मीटिंग की थी। इस मीटिंग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोलने की बारी आई तो मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट देश के चैनलों पर दिखने लगा। केजरीवाल का लहजा बड़ा सख्त था। केजरीवाल ने ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा तल्ख लफ्जों में उठा दिया और कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? अगर किसी अस्पताल में 1-2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए या ऑक्सीजन रुक जाए तो लोगों की मौत की नौबत आ जाएगी, तो मैं फोन उठाकर किससे बात करूंगा? कोई ट्रक तो रोक ले, किससे बात करूंगा? आप बस ये बता दीजिए। हालांकि कुछ देर ये प्रसारण चला और उसके बाद अचानक से रुक गया और सभी टेलीविजन चैनलों पे इसको प्रसारित किया गया, बाद में इसे रोक दिया गया। इसके बाद केजरीवाल नजर आए और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि इस देश में एक नेशनल प्लान हो जिसमें हम सभी मिलकर के राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने उन्होंने अपनी पूरी बात पलट दी। मोदी ने यहीं पर केजरीवाल को टोक दिया, उन्होंने पकड़ लिया उनको और कहा कि ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, उसके खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। हमें संयम पालन करना होगा, संयम से रहना होगा। तो दोस्तों, ये आज मनीष सिसोदिया ने एक पलटवार किया है देश के प्रधानमंत्री पे और उनसे ये सवाल कर दिया है कि केजरीवाल के लाइव टेलीकास्ट में दिक्कत क्यों हुई और आज की ब्रॉडकास्टिंग की इजाज़त थी क्या। और इस पे लगातार इस पे ट्वीटवार शुरू हो चुका है। आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोग भी कोरोना का प्रोटोकॉल मत तोड़िए। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें और घर में बैठ करके मेरा चैनल एमबी स्पीक्स देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।